अगर आपको डोसा पसंद है तो आज हम बनाते हैं रूई जैसा सॉफ्टी डोसा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय चैनल विद अनुलेखा। तो हम चलते हैं। यहाँ पर मैंने चावल और दाल लिया है। यहाँ पर चावल और दाल का आपको 3:1 रेशो लेना है। यहाँ पर मैंने 3 कटोरी चावल लिया है, आप चावल कोई सा भी ले सकते हैं। और मैंने यहाँ पर 1 कटोरी उड़द की दाल ली है जो हम धुली हुई है, और 1 कटोरी मैंने यहाँ पर पोहा लिया है। अब मैंने लिया है 3/4 टीस्पून मेथी के दाने। अब मैं इन सबको 4 से 5 घंटे भिगो दूँगी। ये देखिए, मैंने यहाँ पर चावल को भिगोया है, ये मेरा दाल भिगोया हुआ है, और यहाँ पर मैंने 1 कटोरी पोहा था जो वो भिगोया है, और ये मेरी मेथी के दाने। अब मैं इन सभी को पीस लूँगी, इनका मैं पेस्ट तैयार करूँगी। ये देखिए, मैंने पेस्ट तैयार कर दिया। ये मेरे चावल और पोहे का पेस्ट है, ये मेरे दाल और मेथी का पेस्ट है। फ्रेंड्स, मैं इन्हें अच्छे से दोनों को मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, हमें बहुत अच्छे से दोनों को मिक्स कर लेना है। ये बिल्कुल जैसा मैं कर रही हूँ वैसा ही आप करिएगा। इसके बाद मैं इसे रात भर के लिए छोड़ दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मेरा नेक्स्ट डे का है। ये कितना सुंदर फ्लफी फ्लफी हो गया, मैंने खमीर बहुत अच्छे से उड़ गया है। ये देखिए, अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। ये मैंने नमक ऐड किया। अब हमें इसे अच्छा सा पेस्ट बनाना है। ये पेस्ट ऐसा बनना चाहिए, ना तो ज़्यादा गाढ़ा और ना ही पतला। तब हमारे डोसे बहुत अच्छे बनेंगे। यहाँ पर मैंने अब डोसा तवा ले लिया और एक कॉटन के कपड़े से मैं इसे साफ़ कर दूँगी। अब मैं यहाँ पर थोड़े से 2-3 ड्रॉप्स ऑयल डालूँगी और इसे फिर मैं अच्छे से इसे कॉटन के कपड़े से फैला दूँगी इस ऑयल को। ये देखिए, अब मैं यहाँ पर कटोरी से डोसे बनाऊँगी। आप डाड़ू का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इतना सुंदर डोसा बना हुआ है। ये देखिए, इसमें कितने सुंदर बबल्स आ गए हैं। इसका मतलब हमारे जो पेस्ट है उसमें बहुत अच्छा खमीर उठा हुआ है। फ्रेंड्स, ये हो चुका है हमारा डोसा। अब मैं थोड़े थोड़े इनके चारों तरफ तेल लगा दूँगी। ऑयल हम थोड़े थोड़े से ऐड कर देंगे। ये देखिए, अब मैं इसे पलटा दूंगी। डोसा वैसे एक ही साइड पर पकाया जाता है, पर ये प्लेन डोसा है तो वैसे दूसरी तरफ भी थोड़ा सा पका लेती हूँ। ये देखिए हमारे फ्रेंड्स, ये हो चुका है। ये देखिए, दोनों साइड्स मैंने पका लिए। अब मैं इसे निकाल लूँगी। अब दूसरे डोसे के लिए हम फिर से इसमें कपड़ा, तेल ऑयल वाला जो कॉटन का कपड़ा है उसे हम फेर देंगे, साफ़ कर लेंगे तवे को, और फिर से हम कटोरी से इतना सुंदर डोसा गोल सा बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर सा डोसा बना हुआ है हमारा। ये हो गया है मेरा डोसा। मैं इसमें थोड़े थोड़े से ऑयल लगा दूंगी चारों तरफ। ये देखिए, हल्का सा मैंने ऑयल यूज़ किया है, ज़्यादा ऑयल आपको यूज़ नहीं करना है। ये हो गया है मेरा वन साइड। अब मैं इसे पलट दूंगी। ये देखिए, ये सुंदर सा इसमें कलर आ गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, अब मेरा ये डोसा भी रेडी हो चुका है। अब ये देखिए, ये हो चुका है। इसी तरह हम पूरे डोसे को निकाल लेंगे। ये देखिए, मेरे डोसे बनके तैयार हैं। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें।